ओके, सो प्रीवियस लेक्चर से हम लोग कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर बात कर रहे थे, और पोटेंशियल एनर्जी के ही कंसेप्ट को आगे बढ़ाते बढ़ाते हमने इक्विलिब्रियम की अलग अलग कंडीशंस को डिस्कस किया कि कैसे गिवन सिचुएशन में हम इक्विलिब्रियम को कैटेगराइज कर सकते हैं कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है या न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है। सो वर्क पावर एनर्जी इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम ये सारी बातें डिस्कस करते आ रहे हैं, और मैं समझता हूँ बहुत सारा बेसिक्स हमने अब कवर कर लिया है। कुछ थियोरम्स और कुछ रिलेशंस और हमें इसमें ऐड करने हैं, बट यहाँ से आगे जो कपल ऑफ लेक्चर्स आएंगे, मे बी 2 और 3 लेक्चर्स, इसमें हम पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। पहले पहले मैं कुछ सिंपल क्वेश्चंस कराऊंगा, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम क्वेश्चंस की जो लेवल है वो थोड़ी थोड़ी इंक्रीज करते जाएंगे। माय सजेशन टू यू पीपल इज दैट कि आप हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखें कि उसका सॉल्यूशन कैसे बनाया गया है और उसमें कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो की गई है, कैसी स्किल्स अप्लाई की गई है, उसका की पॉइंट क्या है सॉल्यूशन बनाने का, वो उन बातों को आप अच्छे से नोट डाउन करें, याद रखें। सो लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट क्वेश्चन। विल बी स्टार्टिंग विद दिस। अब यहाँ पे नंबर वैसे 48 आ रहा है, ये नंबर इसलिए ऐसा आ रहा है क्योंकि जो मॉड्यूल है उसमें मैंने सारे क्वेश्चंस को जो है ना एक के बाद सीक्वेंशियली काउंट किया है। सो पोटेंशियल एनर्जी के सेगमेंट में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं 48 नंबर से। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इससे पहले हमने 47 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, ओके। नाउ इन दिस क्वेश्चन एक बहुत ही सिंपल सा आइडिया, एक बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट हमें याद रखना है। इसका सॉल्यूशन कम अ कंसेप्ट टू रिमेम्बर है। ठीक है, यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास एम है एंड लेंथ इज एल एंड इट इज हेल्ड वर्टिकली अपराइट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो लेट मी ड्रॉ डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सिचुएशन। ऐसा एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, लेट्स इमेजिन, और इस पर आप कह सकते हो कि एक रॉड हमने अपराइट वर्टिकल लेवल पे ऐसे रखा है, और डिस्क्रिप्शंस ऐसे हैं कि इस रॉड का मास एम है और इसकी लेंथ एल है। अब आपने बस ये बताना है कि इस सिचुएशन में अगर हमने रेफरेंस लाइन को जीरो पोटेंशियल एनर्जी मान लिया है, ग्राउंड को, तो फिर रॉड की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। ठीक है, तो ये पॉइंट रेफरेंस में है, याद रखिए जो पॉइंट रेफरेंस में आएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी हम हमेशा लिखेंगे जीरो। ठीक है, ई रेफरेंस। अब इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। अब इसमें बहुत फर्क है बच्चों, इसमें और एक पॉइंट मास में बहुत फर्क होता है। आप इमेजिन करें कि अगर हमारे पास एक पॉइंट मास है जो ग्राउंड पे मैंने रेफरेंस यहां मान लिया लाइक दिस, और यू रेफरेंस मैंने जीरो कर दिया। अब यहां से ऊपर एक पॉइंट मास एम है, और अगर हम ये कहते हैं कि ग्राउंड से ये एल इतनी हाइट पर है, तो बच्चों सीधी सी बात है इसकी पोटेंशियल एनर्जी हम लोग ऐसे लिखेंगे, एम जी एल एल। ठीक है ना, एच एच की जगह पे एल आ जाएगा बिकॉज हाइट इसने कितनी ली उतनी हाइट यहाँ पे आएगी। तो पॉइंट मास का मामला तो बहुत ही आसान है, यू नो द फॉर्मूला एम जी एच है ना, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम सबको पता है, एम जी एच। यस, यस सर। क्वेश्चन इज दैट कि अगर पॉइंट मास की बजाय हमारे पास एक फुल लेंथ रॉड आ जाता है जो कि कंटिन्यूअस बॉडी है, तो फिर हम इसका पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से डिस्क्राइब करें, क्योंकि इसका एक एंड जो है वो तो ग्राउंड पे टच कर रहा है, उसके लिए तो कोई हाइट डेवलप नहीं हुई है, और दूसरा एंड जो है इसका वो एल हाइट पर है। तो व्हाट शुड वी डू? तो ऐसी सूरत में हमेशा याद रखें बच्चों, जब कोई कंटिन्यूअस बॉडी हमारे सामने आती है तो हम उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास पता करेंगे, सीएम, और उस बॉडी के लिए हाइट हम उतनी ही इस्तेमाल करेंगे जितनी उसकी सेंटर ऑफ मास की है फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। तो सेंटर ऑफ मास की हाइट कितनी है इस केस में, L/2। L/2 ऑफ कोर्स रॉड यूनिफॉर्म मानी जाएगी जैसे क्वेश्चन में गिवन है, तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर में ही आएगा। अब बच्चों अगर आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहते हो ना, तो आंसर ऐसे आ जाएगा, एम जी एच, एच की जगह पे क्या लिखोगे यहाँ पे आप, L/2। L/2 तो आपने अब ये रूल याद रखना है कि कोई भी कंटिन्यूअस बॉडी अगर हमारे पास आती है
रॉड हो गया, डिस्क हो गई, या किसी किस्म का सिलेंडर हो गया, या सेमी सर्कुलर कोई ऑब्जेक्ट है, या स्फीयर है, हाफ स्फीयर है, कोई भी कंटिन्यूअस बॉडी अगर हमारे सामने आती है और हम उसका किसी रेफरेंस पॉइंट से पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहते हैं, तो उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास को कंसिडर करते हुए हम हाइट को डिस्क्राइब करें। गेटिंग इट? अब इस प्रॉब्लम को हल्का सा ट्विस्ट करके ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये हमारा रेफरेंस है, ग्राउंड है, मतलब रेफरेंस मतलब ये याद रखें बच्चों कि जहां पे हमने पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानना है। अब हमने रॉड जो है ना वो सीधी नहीं रखी, बल्कि हमने रॉड को ऐसे इंक्लाइन कर दिया, हल्का सा तिरछा रखा रॉड को, लाइक दिस, सच दैट के रॉड को हमने थीटा डिग्री से इंक्लाइन कर दिया है। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताएं ऐसी सूरत में, इस सिचुएशन में, ऐसे इंक्लाइंड पोजीशन पर रॉड की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो इसका आंसर बड़ा सिंपल होगा बच्चों। हम फिर एक बार वही तरीका अपनाएंगे। सबसे पहले हम इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है ढूंढेंगे। ऑफ कोर्स अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड अगर हम ये डिस्टेंस मेजर करते हैं तो ये तो हमेशा की तरह एल बाई टी ही होगा, एल बाई टू होगा, लेकिन हमारे लिए हाइट मीनिंगफुल होती है। तो सेंटर ऑफ मास ग्राउंड से यानी कि रेफरेंस वाली जगह से कितनी ऊंचाई पर है, कितनी हाइट पर है, हम ये डिस्टेंस लेंगे, ये वाला डिस्टेंस लेंगे हम, ठीक है ना, एच। और जब हम इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी यू, तो बच्चों इस केस में ये आ जाएगा एम जी एच, लेकिन फिर हमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हुए एच पता करना होगा। आप नोटिस करें यहाँ पे हमको एक ट्राइंगल दिख रहा है और इस ट्राइंगल में ये थीटा, ये 90 डिग्री यहाँ बना, ये हाइपोटेनियस और ये एडजेसेंट साइड है, तो यहाँ पे हम फॉरन लिख सकते हैं साइन ऑफ थीटा विच इज नथिंग बट इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय एल बाई टू। तो इसे रीअरेंज करने पर हमको मिलेगा एच इज इक्वल टू एल बाई टू साइन थीटा। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिख पाओगे? यस एम जी, क्या आंसर आएगा? एल एल बाई बाय टू टू साइन थीटा एंड साइन साइन थीटा। थीटा। तो ये तरीका होता है। अब ये चीजें कई बार हम क्लास 12th में रोटेशनल डायनेमिक्स वाला चैप्टर यूज करते वक्त यूज करेंगे, या बहुत सारी जगहों पे हम आगे चल के जब मैकेनिक्स के कुछ हायर लेवल के प्रॉब्लम्स करेंगे तब हमको ये सिचुएशंस हैंडल करनी होंगी। ओके, तो फंडामेंटली आपने एक नोट पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी लिखते वक्त फॉर पी हाइट इज टेकन बिटवीन रेफरेंस एंड सीएम, रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस लाइन और सेंटर ऑफ मास के बीच का सीधा डिस्टेंस हाइट ऐसे गिना जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया बेटा ये? यस सर। ओके, चलिए थोड़ा सा और आगे आते हैं। इसी लेवल पर मैं एक और क्वेश्चन, थोड़ा सा मिलता जुलता क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, देखें कैसे करें अब इसको। नंबर्स मैं थोड़े रैंडमली उठा रहा हूँ, क्वेश्चंस के सिमिलर क्वेश्चंस को मैं एक जगह ला रहा हूँ, मतलब एक्चुअली प्रैक्टिस में मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिए। अ रॉड ऑफ मास एम एंड लेंथ एल इज लेइंग ऑन द हॉरिजॉन्टल टेबल, वर्क डन इन मेकिंग इट स्टैंड ऑन वन एंड विल बी। तो ये हॉरिजॉन्टल टेबल है, जस्ट इमेजिन करें, इसी को हमने रेफरेंस मानना है। अब इसके ऊपर ना रॉड ऐसे पड़ा हुआ था, जस्ट रॉड वाज जस्ट लेइंग ऑन द टेबल, टेबल के सरफेस पे था ये, मास एम लेंथ एल, ठीक है, मास एम लेंथ एल। तो फिलहाल इसका सेंटर ऑफ मास तो बेटा यही आ रहा था, इसी जगह पे आ रहा था। तो आप अगर बहुत केयरफुली देखते हैं तो आप ये फौरन बोल सकते हैं कि रॉड के इस लेइंग पोजीशन में इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो है, क्योंकि कोई हाइट ही डेवलप नहीं हुआ ना बेटा, करेक्ट है ना। अब हमने क्या करना है, इस रॉड को ऐसे ऊपर उठाना है, ठीक है, लेट्स से कि हमने रॉड को ऐसे ऊपर उठाया और रॉड की अब ये नई पोजीशन होगी, रॉड ऐसी हालत में आ गया। अब इस सूरत में इसका सेंटर ऑफ मास तो थोड़ा हाइट गेन कर चुका है, और कितनी हाइट गेन कर ली इसने, L एल बाई टू। अच्छा, इस सूरत में अगर आप इसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे तो क्या लिखोगे आप? एम जी एल बाई टू, करेक्ट है ना। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि वर्क डन क्या होगा, तो हमें याद रखना चाहिए कि इस सूरत में वर्क डन होता है
फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ऑफ कोर्स वो नेगेटिव वर्क डन वगैरह की बातें होती है, बट यहाँ पे हम इसको नहीं कंसिडर करेंगे, मैग्नीट्यूड का रेफरेंस लेंगे एंड एक्सटर्नल वर्क डन के रेफरेंस में हम इसको मानेंगे। तो वर्क डन अगर हम क्विकली लिखना चाहते हैं तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई एम जी एल बाई टू और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है जीरो, तो फाइनली हमारा आंसर आया एम जी एल बाई टू। क्लियर हो गई बात? यस सर। है ना, कितना आसान है। देखिए अब इसमें हम थोड़ा सा और वेरिएशन लाते हैं, थोड़ा सा और ट्विस्ट करते हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं, ये सारे इलस्ट्रेशंस जो हैं, हमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने के लिए, कुछ ग्रुप डी टाइप ऑफ क्वेश्चंस करने के लिए, कुछ स्किल वाले क्वेश्चंस करने के लिए तैयार करते हैं। मतलब इन क्वेश्चंस के थ्रू हम तैयार होंगे, इसलिए इन क्वेश्चंस को हमें बहुत सीरियसली करना है और अच्छे से समझने की कोशिश करना है कि इसमें हम कैसी स्किल्स अप्लाई करते हैं, कौन से स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं। Now, एक मीटर स्टिक है। अब मीटर स्टिक का मतलब हम समझते हैं कि उसकी टोटल लेंथ जो है ना ये 1 मीटर होगी और उसका मास 400 ग्राम है। तो मैं जरा इसको कन्वर्जन कर देता हूँ 400 इंटू 10^-3 किलोग्राम, बिकॉज सारे आंसर्स तो जूल में है, मतलब एमकेएस यूनिट में है। इज पाइवोटेड एट वन एंड डिस्प्लेस्ड थ्रू एन एंगल ऑफ 60 डिग्री द इंक्रीज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जीज। ठीक है, इंक्रीज बोला है, मतलब यहां पर भी हम ऐसे समझेंगे कि इस तरीके से ये मीटर स्टिक है, इसको इस वाले एंड पे जो है ना पाइवोट कर दिया है। पाइवोट कर दिया का मतलब यहाँ पे आपने इसको ऐसे अटैच किया है कि आप इसको घुमा सकते हो, लाइक दिस। आप इसको ऐसे चाहो तो ऊपर आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसे घुमा सकते हो। ठीक है, एक एक्सिस दे दिया मान लिया आपने चाहिए इसको। पाइवोट करना मतलब बैलेंस करने का मतलब होता है इन जनरल। तो बहरहाल हम यहाँ पे इसको घुमा सकते हैं। तो अगर इसी लाइन को हम रेफरेंस लाइन मान लेते हैं, ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास तो यहाँ आएगा, करेक्ट है बच्चा? ये डिस्टेंस आप क्लियरली कह सकते हो एल बाई टू एन अकॉर्डिंगली। तो क्या इनिशियल हालत में हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लें? यस, इसी को हम रेफरेंस लाइन मान लें। पोटेंशियल एनर्जी के कैलकुलेशन में एक सबसे मजेदार बात ये होती है कि आप अपनी कन्वीनियंसी से जहां चाहे वहां रेफरेंस चॉइस कर सकते हैं और जहां आपने रेफरेंस चॉइस किया वो जीरो हो गया। याद रखें ये बात, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ जीरो है एक्चुअली या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, जहां आपने रेफरेंस चॉइस किया वो जीरो माना जाएगा, दैट्स इट। ये फंडामेंटल बात अच्छे से दिमाग में रखें। अच्छा, अब हम अच्छा रेफरेंस हम जीरो के अलावा भी कोई और दूसरा पॉइंट चॉइस कर सकते हैं, लेकिन आसानी के लिए हम क्या करते हैं, रेफरेंस विद जीरो वैल्यू ऐसा चॉइस करते हैं ताकि कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ ना हो। एनीवे, हमने इसको कितना ऊपर उठाया, तो एज पर क्वेश्चन हम देखते हैं कि हम इस रॉड को 60 डिग्री से ऊपर उठा रहे हैं। तो दिस कैन बी इट्स न्यू पोजिशन, हम कह सकते हैं बच्चों की रॉड का नया पोजिशन आ गया। तो हम देखेंगे कि ऐसा रोटेशन मिलने की वजह से इसका सेंटर ऑफ मास कुछ हाइट गेन कर लेता है। ठीक है, अब बहुत ही क्लियरली हमको ये समझ में आ जाता है कि यहां से यहां तक का जो गैप है ये L by 2 है, वेयर L इज 1 मीटर, नो डाउट। और यहां एंगल हमें प्रोवाइडेड है थीटा, और क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो ये थीटा जो है ये हमको गिवन है 60 डिग्री। अब आपको पता करना है कि ऐसा 60 डिग्री से घुमाने की वजह से इसने हाइट कितनी गेन कर ली। तो बेसिकली देखा जाए तो ग्राउंड रेफरेंस में या इनिशियल रेफरेंस में इसने इतनी हाइट गेन कर ली h। एक छोटा सा कैलकुलेशन आप यहां पे करेंगे, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, करेक्ट है, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय l बाय 2। आर थिंग्स क्लियर? यहां पे ये हो जाएगा साइन 60 इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय l की जगह आ जाएगा 1/2 बिकॉज l तो 1 मीटर है। ठीक हो गई बात? So we will be getting h is equal to √3/4। देखें सही करें, चेक करें इसको, ये 2 जाएगा ऊपर, साइन 60 हो जाएगा √3/2, 2 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, h will take a value of √3/4। करेक्ट हो गया बच्चों बात? Yes sir। अब हमें ये पता करना है कि इसमें कितना वर्क डन या इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ है। तो सिंपल, आप इसको इंक्रीज या डिक्रीज या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कह लें या वर्क डन कह लें, ये सारी कहानी एक ही होती है। ठीक है, जितनी एनर्जी चेंज भी उतना काम हुआ, दैट्स इट। तो इंक्रीज के रेफरेंस में हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाई फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए फाइनल लिखते वक्त क्या हमें ऐसे करना पड़ेगा, एम उसका करस्पॉन्डिंग मास, जी
एंड देन एच, पर इनिशियल तो जीरो ही है बेटा, इनिशियल तो ऑलरेडी तय हो चुका है कि जीरो है, क्योंकि रेफरेंस ही वही माना था हमने। ये सुनो, नाउ दिस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, मास हो गया 400 × 10⁻³ इंटू जी का वैल्यू हम लोग लिखते हैं 9.8 तकरीबन तकरीबन, इंटू एच अभी अभी हमने निकाला था रूट थ्री डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, आर थिंग्स क्लियर? यस सर, ओके, सो सिंप्लीफिकेशन के लिए आंसर्स को देखते हुए ये 9.8 की जगह हम लोग 10 ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अब देखो हुआ ये कि ये 10 का एक जीरो, ये एक जीरो, ये एक जीरो, ये 10⁻³ को कैंसिल कर जाएंगे, तो दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस विल गेट कैंसिल, राइट और रॉन्ग? यस सर, नाउ द वैल्यू ऑफ 4 एंड 4 विल आल्सो गेट कैंसिल एंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल टेक अ न्यू वैल्यू ऑफ √3। √3 होगा अराउंड 1.732, अराउंड 1.732 जूल। अब यहां पे आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है इसमें, मुझे लग रहा है कि कुछ कहीं कैलकुलेशन में हमने, इन द सेंस क्वेश्चन के डेटा में हमने गड़बड़ कर दिया है। सोचे अगर ये सेम प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम 60 डिग्री की बजाय 30 डिग्री दिया जाता, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन लिखते वक्त उस वक्त मुझसे कुछ गलती हो गई होगी एंड सो ऑन, अगर 60 की बजाय 30 दिया जाता तो यहाँ क्या आता, साइन 30, है ना? यस साइन 30 के बाद ये क्या बन जाता, हाफ, हाँ यस है ना? हाफ की वजह से क्या यहां पर आंसर 1/4 आता, यस यहां अगर आंसर 1/4 आता तो ये 1/4, 4/4 कैंसिल करके यहाँ सब 1 बच जाता, है ना? तो हमारा यस आंसर क्या बनता, 1 जूल, इफ इट कुड बी अ एंगल ऑफ 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री। अब चूंकि 60 डिग्री गिवन है तो मैं एक और ऑप्शन यहाँ पे इंक्रीज कर रहा हूँ, 1.732 जूल, और हम इसको करेंगे करेक्ट। ऐसा एग्जामिनेशन में अलाउड नहीं है ना, 4 में से नहीं आया और तुमने बोला पांचवा मैं ऐड कर रहा हूँ और फाइनली मेरा आंसर सही है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन में कुछ करेक्शन की जरूरत थी इसलिए मैंने ऐसा किया। ठीक है, आर थिंग्स क्लियर? यस सर, ओके, नाउ लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा थोड़ा मैं लेवल डिफिकल्टी का बढ़ाते जाऊंगा, मतलब इन सारे प्रॉब्लम्स में मैंने आपके सामने इन जनरल एक ही बात रखने की कोशिश की कि कैसे किसी रॉड के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं यूनिफॉर्म रॉड के लिए, और थोड़ा बहुत उसमें वर्क डन या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस हम कैसे निकाल सकते हैं। आइए थोड़ा सा और बेसिक हम देखते हैं स्प्रिंग के बारे में। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेस्ड स्प्रिंग। लेट्स से कि एक स्प्रिंग है हमारे पास जिसको हमने किसी रिजिड सपोर्ट से अटैच कर रखा है, और इसके अटैचमेंट के बाद हमने इसे थोड़ा सा पुल किया कुछ फोर्स लगा के एफ, और इसकी लेंथ बढ़ गई। लेट्स से कि अगर बड़ी हुई लेंथ को मैं यहां दिखाने की कोशिश करूं तो यहां तक इसकी नेचुरल लेंथ थी, तो लेट्स से कि इसकी लेंथ हमने बढ़ा दी एक्स इतने मैग्नीट्यूड से, गेटिंग इट? अब बच्चों जैसे ही हम किसी स्प्रिंग को खींचते हैं ना, तो स्प्रिंग के अंदर एक नेचुरली रिस्टोरिंग फोर्स आ जाता है, और वो रिस्टोरिंग फोर्स होता है के एक्स, ये पढ़ चुके हैं हम, पता है ना हमको ये? यस, यस सर, सो स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है, जितने फोर्स से आपने खींचा उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और स्प्रिंग वहीं थोड़ी देर के लिए रुकी रहेगी। जैसे ही आपने अप्लाइड फोर्स हटा दिया तो रिस्टोरिंग फोर्स अपना काम करेगा और स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल लेंथ पे, नेचुरल लेंथ पे वापस जाने की कोशिश करेगी। अब देखो ये प्रोसेस में, इस प्रोसेस में हमने फोर्स लगा के कुछ डिस्प्लेसमेंट किया, और डिस्प्लेसमेंट करने का मतलब है कि वहां पे हमने कुछ वर्क डन किया। तो इन दिस सिचुएशन अगर हम और एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, और थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट, और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स, क्या हमें एक छोटा सा वर्क डन करना पड़ेगा जो लिखा जाएगा एफ डी एक्स? ठीक है, करेक्ट है ना? ये सुनो, अब मान लो ऑलरेडी मैंने स्प्रिंग को इतना खींच लिया है, मैं और थोड़ा सा डी एक्स उसको खींचना चाहता हूं,
तो एग्जिस्टिंग लेवल पर इतना फोर्स ऑलरेडी यहाँ अप्लाई हो चुका है और थोड़ा सा खींचना चाहता हूं, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या वर्क डन बनाएगा? यस अब देखा जाए ना बच्चों, ये वर्क डन अगेंस्ट द बिहेवियर, अगेंस्ट द नेचर, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ स्प्रिंग है। स्प्रिंग के अगेंस्ट में हम काम कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि स्प्रिंग का फोर्स आ रहा है ऊपर और हम खींच रहे हैं नीचे, तो हमको यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, वी नो दैट। और एक बात ये भी याद रखिए कि रिस्टोरिंग फोर्स को भी हम माइनस ही बोलते हैं, माइनस के एक्स। आप सोचें बच्चों कि अगर हम यहाँ पे टोटल वर्क डन निकालना चाहते हैं, और बिफोर दैट अगर मैं इस वर्क डन को और ज्यादा बेहतर तरीके से लिखूंगा, तो एफ की इक्वेशन पुटअप करने पर यहाँ मुझे मिल जाएगा के एक्स पी एक्स। करेक्ट हो रही है बात? आप सोचें बच्चों, अगर हमें टोटल वर्क डन निकालना है, तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए क्या हम ऐसे स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन का इंटीग्रेशन कर लेंगे? ये डेरिवेशन हम इससे पहले कर चुके हैं, जस्ट एक रिवीजन के तौर पे मैं आपको ले रहा हूं ये। क्योंकि ऐसे डीएक्स 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 करके ही हम स्प्रिंग को ऐसे एलोंगेट करते जा रहे हैं, तो जो भी डीएक्स डीएक्स में हमारे लिए थोड़ा थोड़ा वर्क डन करता होता जा रहा है, उन सभी वर्क डन को जब हम जोड़ लेंगे, उन सभी वर्क डन को हम कंबाइन करेंगे, यानी कि मैथमेटिकली उनका इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमें टोटल वर्क डन मिलेगा। नो, टोटल वर्क डन में हमें ये बताना होगा कि हमने कहाँ से उसको स्ट्रेच करना शुरू किया, मतलब नेचुरल लेंथ से, जीरो से कहाँ तक, तो किसी पर्टिकुलर एलोंगेशन एक्स तक। ठीक है, अब डीडब्ल्यू की वैल्यू ला करके वहां पे आप पुट अप करें और इंटीग्रेशन करें, आपका आंसर आ जाएगा। सो ये हो गया इंटीग्रेशन जीरो से लेके एक्स के एक्स डी एक्स। के तो बाहर आ जाएगा, के का कोई सवाल नहीं है। इंटीग्रेशन किसका होगा? एक्स डीएक्स का। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? वेरी गुड, एक्स स्क्वायर बाई टू। लिमिट्स होंगे जीरो से एक्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट अप करें, तो ये हो गया कैपिटल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू माइनस जीरो। जब हम इसे फाइनली और सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके लिखें, तो क्या ये ऐसा नजर आया? यस हाँ। अब इसमें सोचने वाली बात है कि स्प्रिंग के जो फोर्सेस होते हैं वो कंजर्वेटिव फोर्सेस कहलाते हैं, और कंजर्वेटिव फोर्सेस के थ्रू जो भी वर्क डन किया जाता है वो पूरा का पूरा वर्क डन कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में? पोटेंशियल एनर्जी में। तो क्या हम इसका सीधा सा मतलब लिखें कि स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है जो किसके इक्वल है? आप के एक्स स्क्वायर के इक्वल है। और इसमें मैं आपको बता दूं के जो है ना वो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। स्प्रिंग कैसी है, स्प्रिंग के नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, कुछ हद तक उसकी लेंथ कितनी है, उसका मटेरियल कितना है, कैसा है, वो कितनी थिक है, कितने राउंड्स हैं उसमें, ये सारी बातों पे के डिपेंड करता है। स्प्रिंग का स्टिफनेस बोलते हैं उसको, स्प्रिंग कितनी लूज है या स्प्रिंग कितनी सख्त है। तो के तो कॉन्स्टेंट है, मतलब पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली डिपेंड किस पे करेगी? एलोंगेशन पे, एक्स पे, एलोंगेशन पे। मतलब आपने अगर ज्यादा एलोंगेट कराया स्प्रिंग को, बहुत ज्यादा खींचा, तो उसमें ज्यादा एनर्जी आ जाएगी, और कम खींचा आपने तो कम एनर्जी आ जाएगी। अकॉर्डिंगली आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक हो रही है बात? आइए मैं इसमें कुछ एक सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आपके सामने रखता हूँ। इसमें से एक आध दूसरा क्वेश्चन तो इससे पहले नीट के एग्जामिनेशन में भी आ चुका है, सीटी में भी आ चुका है। अ लॉन्ग स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेट्स से कि ये जो है ना एलोंगेशन इसका, मैं इसे फिलहाल X1 कॉल कर लेता हूं, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई U। इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 10 सेंटीमीटर, तो बेटा ये हो गया X2, तो ये पूछ रहा है कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो लेट्स से कि पोटेंशियल एनर्जी इन फर्स्ट केस U1 इज इक्वल टू, ऐसे लिखें, हाफ के X1 का स्क्वायर। सेकेंड केस में क्या होगा? U2 इज इक्वल टू हाफ के X2 स्क्वायर। स्प्रिंग तो वही है, तो K तो कांस्टेंट है, वो तो स्प्रिंग पे डिपेंड करता है, तो सेम स्प्रिंग अगर हम यूज कर रहे हैं तो K दोनों के लिए सेम होगा। एक छोटा सा प्रोसीजर हम यहाँ पे करते हैं कि इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। सो इस हिसाब से हमको मिलेगा X1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय X2 का स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान रखो, U1 को तो इसने सिर्फ U बोला है एज पर क्वेश्चन, और U2 हमको फाइंड आउट करना है। X1 है 2, तो 2 का स्क्वायर, और X2 है 10, तो 10 का स्क्वायर। तो आप देखेंगे U2 इज इक्वल टू 100 U/4। करेक्ट किया हमने, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, इधर मल्टीप्लाई हो गया, और ये 4 इधर नीचे। तो कैलकुलेशन के बाद हमें आंसर मिलेगा U2 इज इक्वल टू 25 U।
है ना सिंपल, बिल्कुल यस सर, आसान। इनफैक्ट स्प्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस ना हमको बहुत डिटेल में पढ़ने हैं जब हम ऑसिलेशन ये चैप्टर क्लास 12th में कवर करेंगे इंशाल्लाह। सो लेट्स टॉक अबाउट दी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारी बेसिक्स तैयार होने मान लीजिए आपके पूरे। नेक्स्ट क्वेश्चन 72। अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट यानी कि के, ये जो चीज है ना ये के है, स्प्रिंग कांस्टेंट का मतलब के, इज स्ट्रेस्ड इनिशियली बाय 5 सेंटीमीटर फ्रॉम अनस्ट्रेस्ड पोजिशन, देन द वर्क डन रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच इट फर्दर 5 सेंटीमीटर, फर्दर 5 सेंटीमीटर। तो आप मुझे ये बताएं कि पहला एलोंगेशन कितना हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब मुझे आप ये बताएं कि दूसरा एलोंगेशन कितना हुआ है 5 सेंटीमीटर। नहीं, रॉन्ग है। दूसरा भी 5 कैसे हो सकता है, पहला ही 5 हुआ ना। फर्दर 5 का मतलब पहले हम 5 खींच चुके हैं, अब और 5 खींचेंगे मतलब कितना, 10 सेंटीमीटर। यस, तो अब बच्चों पहली जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हम ऐसे लिखेंगे हाफ के एक्स वन का स्क्वायर, और दूसरी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हम ऐसे लिखेंगे हाफ के एक्स टू स्क्वायर। अब आपको निकालना है वर्क डन, तो बहुत सिंपल है, 5 खींच चुके हैं और 5 खींचना है, मतलब इन दोनों पोटेंशियल एनर्जीज का डिफरेंस ले लो। करेक्ट हो गई ना बात, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू U2 - U1। करेक्ट हो रही है बच्चों बात? यस सर, क्योंकि अगर हम दोनों पोटेंशियल एनर्जीज का डिफरेंस ले लेते हैं तभी तो हमको वर्क डन मिलेगा। अब स्प्रिंग को हमने पहले 5 खींचा, 5 सेंटीमीटर खींचा, अब वो पूछ रहा है और 5 सेंटीमीटर खींचेंगे, तो हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर का पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, फिर 10 सेंटीमीटर की पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि 5 से 10 जाने में कितना काम करना पड़ा। सही हो रही है बात? यस सर। अच्छा, यू टू और यू वन को जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम देखेंगे बच्चों इसमें कि के फैक्टर कॉमन है और इनफैक्ट हाफ फैक्टर भी कॉमन है, तो सिंपली ऐसे लेना पड़ेगा ना। करेक्ट हो गई बात? नाउ दिस वर्क इज इक्वल टू, ये हो गया हाफ, ये हो गया 5 × 10⁻³। एक्स टू का मतलब है 10, सो दैट विल बी 10 का स्क्वायर, माइनस एक्स वन है 5, तो दैट विल बी 5 का स्क्वायर। सो दिस विल टेक अ वैल्यू ऑफ हाफ इंटू 5 × 10⁻³ प्लस 3 है, ठीक है, स्टिफ कॉन्स्टेंट अक्सर ज्यादा होते हैं, और ये 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 5 का स्क्वायर 25, माइनस करने पे ये आ गया 75। तो कितना कैलकुलेशन बनेगा, अरे एक सेकंड रुके, एक सेकंड, यहां पे ना बच्चों ये सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर का हमको मीटर करना पड़ेगा, दैट इज मस्ट। सेंटीमीटर का मीटर करेंगे ना हम, तो ये ऐसा नजर आएगा 10 × 10⁻²- का स्क्वायर माइनस 5 × 10⁻², ठीक है, मेरी नजर नहीं गई सेंटीमीटर पे ये चीज। अब देखें ये तो 75 हो जाएगा, बराबर है, ये 10⁻²² का स्क्वायर क्या होगा, -4, इधर 10⁻²² का स्क्वायर क्या होगा, -4, दोनों साइड से 10⁻⁴ आप कॉमन ले लो, तो ये एडिशनल टर्म आ गया। आप 75 × 5 करें और उसका हाफ करें, 75 × 5, यस। जब तक मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं, कैलकुलेशन बताएं आप क्या हो रहा है। 187.5। ओके, सो यस, दिस बी एन आंसर टू बी इक्वल टू 187.5 इनटू 10⁻¹, याद रखें, है ना, 10⁻¹, क्योंकि ये +3 है और ये -4, ये -4 कहां से आया समझ में आया, -2 का स्क्वायर इधर भी, -2 का स्क्वायर इधर भी, तो इन दोनों में -4 हो जाएगा, और दोनों का -4 मैंने एक साथ कॉमन ले लिया, फिर 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, 100 - 25 75। सो हम इस चीज को अगर और सिंप्लीफाई कर लें तो हम ऐसे लिख सकते हैं 18.75। अब वैसे देखा जाए तो जूल आना चाहिए, बट वी कैन ऑल्सो राइट अ यूनिट ऑफ न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर जूल ही होता है देखा जाए तो, ठीक है, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट न्यूटन मीटर जूल, सो वी मे गो विथ ऑप्शन सी हियर, करेक्ट है।
आइए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं जो मैं समझता हूं बहुत ही आसान है। देर आर टू स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट 1500, तो लेट्स से कि ये K1 है, 3000, लेट्स से कि ये K2 है। सेम फोर्स से इन्होंने हमसे एलोंगेशन करवाया, स्ट्रेच किया, सेम फोर्स है, एक जैसा फोर्स, ठीक है ना, इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का इन्होंने एलोंगेशन किया। अब क्वेश्चन ये आता है कि इनकी पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे लिखें। तो देखिए बच्चा स्टूडेंट इसमें ना थोड़ा गलती करता है, वो पोटेंशियल एनर्जी को ये फॉर्मेट इस्तेमाल करेगा, फिर दो पोटेंशियल एनर्जी लिखे जाएंगे U1 U2 और रेशियो लेगा और उसमें x कैंसिल कर देगा, है ना, ये माइंड में दिमाग में आ रहा था आपके, ये कंसेप्ट ऐसा तरीका आ रहा था दिमाग में आपके। बट ऐसा करना यहां पे गलत होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों स्प्रिंग्स अलग अलग हैं। एक स्प्रिंग ज्यादा टाइट है, जिसका फोर्स कॉन्स्टेंट ज्यादा होता है ना वो स्प्रिंग टाइट होती है, ज्यादा स्टिफ होती है, और जिसका फोर्स कॉन्स्टेंट कम होता है वो थोड़ा सा लूज होती है। अब आप इमेजिन करें कि एक टाइट स्प्रिंग आपके पास है और एक लूज स्प्रिंग आपके पास है और आपने उन दोनों को सेम फोर्स से एलोंगेट करने की कोशिश की, तो क्या अलग अलग एक्सटेंशन मिलेगा हमको? यस। तो एक्स सेम नहीं है तो फिर रेशियो में हम एक्स को कुछ भी नहीं कर सकते, बेसिकली देखा जाए तो यहां से एक्स का कोई मामला हम सॉर्ट आउट ही नहीं कर सकते, क्या करें फिर अगर ऐसी सिचुएशन में आके हम अटक गए। सो वॉट वी शुड डू इन दिस केस, एक्स के लिए तो हमारे पास कोई रेफरेंस नहीं बन रहा है, और जब तक हम एक्स को कैलकुलेट नहीं करते हैं या जब तक हम एक्स के लिए कोई ओपिनियन नहीं बनाते हैं तब तक हम कोई भी आंसर यहां से सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, और फाइनली हमको निकालना तो यही है कि पोटेंशियल एनर्जी। तो एक तरीका तो यह है बच्चों के ऐसा किया जाए, देखिए जरा एक तरीका मेरे माइंड में आ रहा है, ऐसा किया जाए हाफ के एक्स एक्स, ठीक हो गई बात। तो कम से कम हम ऐसे तो लिख पाएंगे, ठीक हो, मैंने के एक्स स्क्वायर को जो है ना के एक्स एक्स किया, वैसे भी तो स्क्वायर ही है ना, यस और नो? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोले, यस सर, थोड़ा सा रिस्पांस करें ना, यस और नो जब मैं पूछता हूं तो जरा रिस्पांस किया करें। अब फिर हम अटक रहे हैं यहाँ पे कि चलो भाई फोर्स तो सेम है, एक्स तो पता ही नहीं हमको, रेशियो तो के वन के टू के निकालने थे तो ये तो हम एक्स में अटक गए, अब क्या करें। तो फिर हम दोबारा जो है ना इसकी ओरिजिनल कंडीशन पे आते हैं, एफ इज इक्वल टू के एक्स। अब यहां क्या करेंगे बेटा, एक को के वन और एक्स वन बोल देंगे और जबकि दूसरी जो इक्वेशन हम बनाएंगे उसको हम बोलेंगे के टू एक्स टू, करेक्ट हो रही है बात? यस, ऐसा हम करेंगे, लेकिन एफ वन एफ टू हम ऐसा नहीं लिखेंगे, इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमें बाकायदा इसका हिंट दिया है कि हमने यहां पे कैसा फोर्स इस्तेमाल करना है, सेम फोर्स। अब चूंकि दोनों फोर्सेस सेम हैं तो हम इस बात को यूज करेंगे, हम लिखेंगे के वन एक्स वन इज इक्वल टू के टू एक्स टू, बाय दैट वे हमको मिलेगा एक्स वन बाय एक्स टू इज इक्वल टू के टू बाय के वन, करेक्ट जा रहे हैं? देयरफोर एक्स वन बाय एक्स टू इज इक्वल टू के टू इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3000, के वन 1500, सो दिस इज 3000 एंड दिस इज 1500, तो यहां से हमें आंसर क्या मिला, एक्स वन बाई एक्स टू इज इक्वल टू टू, या इनफैक्ट आप लिख सकते हो 2:1। अब इसी चीज को बच्चों यहां यूज करते हैं, जरा आप सोचें अगर आपने यू वन लिखा तो क्या आप ऐसे लिखोगे, और आपने अगर यू टू लिखा तो क्या आप ऐसे लिखोगे, सही है? Yes or no? Yes. हाँ, अब फोर्स तो सेम है तो रेशो ले लें, तो आप लिखेंगे U1 by U2 is equal to, बाकी सब कैंसिल होने के बाद X1 by X2, X1 by X2 का आंसर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट इज 2:1, यू आर डन विद द प्रॉब्लम, खत्म, ये आ गया आपका आंसर, ठीक हो रही है बात?
यस सर। यस सर। ओके, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ी और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पे जाते हैं। ओके, लेट्स टेक दिस वन। तो ये मैंने दो तीन क्वेश्चन आपके सामने रखे जो खास करके स्प्रिंग वाली सिचुएशन को डील करते हैं। नाउ सी इन दिस क्वेश्चन, इसमें बताया जा रहा है कि एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है जिसका मास एम है एंड इट इज हैंगिंग फ्रॉम द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल। एक हॉरिजॉन्टल फोर्स हमने इस पे अप्लाई किया और इस ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर की तरफ पुल करना शुरू किया जब तक कि उसका जो थ्रेड है, ऑब्जेक्ट मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स। ठीक है, वर्क डन निकालना है। तो पहले तो मैं सिचुएशन बिल्कुल अच्छे तरीके से आपके सामने ड्रॉ कर देता हूं। ये एक रिजिड सपोर्ट है, ये कंडीशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझना बच्चों। ये ऐसा थ्रेड है मान लेते हैं, और यहां एक ऑब्जेक्ट हैंग कर रहा है जो एम मास इतना रखता है। अब हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को ऐसे पुल करके ऊपर उठा लिया, लेट्स से कि ये वाली पोजीशन पे हम इसको ले गए, यहां आया ऑब्जेक्ट। अब इस बार इसने जो थीटा बताया ये कहां से बताया, हॉरिजॉन्टल से, यानी कि यहां से थीटा बताया गया। ये समझे बात को, जब ये हॉरिजॉन्टली सॉरी जब ये वर्टिकली ऐसे सीधा हैंग कर रहा था तब ये थीटा कितना था, 90 था, है ना। अब हमें यस ये पता करना है कि इस प्रोसेस में कितना वर्क डन हुआ है। तो बच्चों एक बिल्कुल सिंपल सी और फंडामेंटल सी बात आप हमेशा याद रखो कि जब हम वर्क डन निकालेंगे तो बेसिकली हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी देखने वाले हैं। ठीक है, टू बी मोर प्रोसाइस, एक्सटर्नल वर्क डन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बिल्कुल साफ साफ लिखूंगा फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, अब फाइनल और इनिशियल निकालने के लिए ना हमें हाइट्स की जरूरत होगी और रेफरेंस पॉइंट्स की जरूरत होगी। तो इसमें समझदारी तो इसी में है कि जहां ये मास पहले था उस जगह को रेफरेंस मान लिया जाए। जिस जगह हम रेफरेंस मानेंगे वहां हम बोलेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। ये बहुत जबरदस्त फ्रीडम है हमको, यहां पर इससे काम आसान होते हैं। तो इनिशियल का तो निपट गया मामला क्योंकि हमने इसी जगह को रेफरेंस माना और इसको जीरो बोल दिया आपने। अब ये जितना ऊपर गया है रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से वो हाइट आप पता कर लें और आपका आंसर आ गया। तो यहां अगर मैं वर्क डन लिखना चाहता हूं तो बच्चों ये हो जाएगा एम, सॉरी फॉर दैट, स्मॉल एम मास है, एम जी जितनी भी हाइट इसने अटेंड करी होगी ऊपर माइनस जीरो। मतलब अब मामला सिर्फ इस बात पे आके अटका हुआ है, रुका हुआ है कि ये एच कितना है। अब बच्चों एच निकालने के लिए ना एक बिल्कुल आसान सा अप्रोच मैं आपको बताता हूं कि फिलहाल जहां पे इसकी पोजीशन है उस पोजीशन पर भी एक मार्किंग कर लो। क्या आप इन दोनों पोजीशंस को रेफर करके ये अंदाजा लगा सकते हो कि एच कहां गिना जाएगा? तो आंसर है बच्चों एच यहां गिना जाएगा, करेक्ट, यही एच है ना। यस सर। देखिए कई बार बच्चे परेशान होते हैं, सर ऑब्जेक्ट उधर है तो मैच यहां गिन रहे। बेटा हम इसकी रेफरेंस हाइट ले रहे हैं, इस जगह से ये कितना ऊपर है, भले इधर गया है आगे खिसक गया वो बात और है, लेकिन ऊपर कितना गया, समझ आ रही है ना। ठीक है ना, एच इतना ऊपर यस गया, ये बात आपको अच्छे से समझी। यस ओके, सर। अच्छा आप मुझे ये बात बताओ कि ये जो थ्रेड हमने इस्तेमाल किया ना यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी है? तो बच्चों इसकी लेंथ एल है। अगर इस जगह पे यहाँ पे मैं राइट फ्रॉम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ मास ये देखता हूं तो टोटल लेंथ एल है। अगर एल में से ये पोर्शन, इसको मैं थोड़ा पिंक कलर कर दूं, ये पोर्शन एच का निकाल दिया जाता है, इतना पोर्शन एच का निकाल दिया जाता है, तो यहां बचा क्या, ऊपर क्या बचा, L by H, एल माइनस L एच। minus H। बिल्कुल सही है। आप देखिए यहां पर एक थीटा एंगल बन रहा है तो ट्रिग्नोमेट्री इतनी हम सबको समझ आ जाती है कि यहां भी थीटा बनेगा अल्टरनेट एंगल के हिसाब से, हॉरिजॉन्टल से है ना, ये भी इधर थीटा तो इधर थीटा। अब यहां हमको एक ट्रायंगल देखने को मिल रहा है, यस। यस यस सर। इस ट्रायंगल में ऑब्वियस बात है यहां पे 90 क्लेम करेंगे आप, यहां पे आप 90 क्लेम करेंगे,
तो आप बताएं, अगर हमने यहाँ पे साइन ऑफ थीटा लिखा तो आप क्या लिखोगे? एल माइनस एच डिवाइड बाई एल, यही लिखोगे ना? यस। मैं बहुत स्लो चल रहा हूं वैसे, ये चीजें हमें फटाफट याद हो जानी चाहिए। सो कैलकुलेशन कंटिन्यू करने पर ये हो जाएगा एल साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एल माइनस एच, देयरफॉर एच को मैंने एक तरफ कर दिया, एल माइनस एल साइन थीटा, देयरफॉर फाइनली वी गेट एल इंटू वन माइनस साइन थीटा। तो ये हो गया एच का मैग्नीट्यूड, एच इतना आएगा डिपेंडिंग अपॉन थीटा कितना बना है उसके हिसाब से। तो अब अगर हम इस वर्क डन को यहां पे कंप्लीट करते हैं, ये वर्क डन अगर हम पूरा करते हैं तो आंसर क्या आएगा? एम जी एल वन माइनस साइन थीटा। आर थिंग्स क्लियर? यस यस सर। ओके, बट इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और ज्यादा वर्सटाइल बनाना चाह रहा हूं, और ज्यादा इसमें कुछ ऐसे फॉर्मूले में डेवलप करना चाह रहा हूं जो हमें काम के हैं, जो हमें आगे याद रखना चाहिए। सपोज फॉर एग्जाम्पल इसी तरीके का रिजिड सपोर्ट हमने चॉइस किया, ठीक है, सेम टाइप ऑफ रिजिड सपोर्ट, और बिल्कुल आइडेंटिकली वैसे ही हमने दिखाया जैसे हम अब इससे पहले दिखा रहे थे, ये हैंग कर रहा है, मास एम है इसका, ठीक है, और पहले की ही तरह हमने इसको भी ऐसे ऊपर लिफ्ट किया, तो लेट्स से कि ऊपर लिफ्ट करने की वजह से ये यहां तक पहुंचा, ठीक है, लेकिन इस बार जो एंगल आपको दिया गया है वो वर्टिकल से दिया गया है, सीधे सीधे वर्टिकल से, हॉरिजॉन्टल से नहीं। फिर आपसे वही सवाल पूछा, सेम क्वेश्चन, फाइंड आउट वर्क डन। तो बच्चों वर्क डन निकालने के लिए हम सबसे पहले इनिशियल पोजीशन के लिए एक रेफरेंस मान लेंगे, ये रेफरेंस लाइन है हमारी, और हम लोग अक्सर रेफरेंस लाइन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या कॉल कर लेते हैं? जीरो। अब ये ऑब्जेक्ट गया ऊपर, तो कितना ऊपर गया? तो पहले की ही तरह हमें बोलना पड़ेगा इतना ऊपर गया, एच। एच ये डिस्टेंस लेंथ के हिसाब से अभी भी एल है, ये ऊपर वाला डिस्टेंस कितना हुआ? एल माइनस एच। एल माइनस एच। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन पूरा करता हूं और वर्क डन की वैल्यू या उसकी इक्वेशन लिखने की कोशिश करता हूं, तो अभी भी मेरे पास फॉर्मेट वही होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। वर्क डन हो गया बच्चों एम जी एच माइनस जीरो। अब मुझे सिर्फ वर्क डन के लिए एच पता करना है, तो एच पता करने के लिए हम फिर एक बार उसी तरीके के ट्रायंगल को यहां पे यूज करेंगे जैसे हमने पहले किया था, ठीक है। सो इन दैट वे क्या आप मुझे बता सकते हैं यहां पर अगर हमने कॉस थीटा लिखा तो आपके पास क्या ऑप्शन ऑफ राइटिंग है? एल माइनस एच अपॉन एल। शाबाश, क्योंकि ये 90 डिग्री है, बाकायदा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रूल इस्तेमाल किया जाएगा, थीटा की एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। सो दिस विल बी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू एल माइनस एच, रीअरेंज करने पर एच इज इक्वल टू एल माइनस एल कॉस थीटा, एंड एच विल बी इक्वल टू एल इंटू ब्रैकेट वन माइनस कॉस थीटा। अब बताएं फाइनल आंसर क्या है? एम जी एल इन ब्रैकेट वन माइनस कॉस थीटा। आप बोलेंगे ये तो बदल गया आंसर। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इस सिचुएशन में एंगल कहां से मेजर हुआ है? हॉरिजॉन्टल से, और यहां कहां से मेजर हुआ है इस सिचुएशन में? वर्टिकल से। अब ये दोनों फॉर्मूलीज आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए, खास करके ये वाला फॉर्मूला, ये दिमाग में फिक्स बैठना चाहिए कि अगर एक पेंडुलम है, इसे पेंडुलम कहेंगे ना, हम एक रस्सी लिया, आपने थ्रेड लिया और उस पर अगर बॉब आप लटकाते हैं तो वो पेंडुलम बन जाता है, इनफैक्ट सिंपल पेंडुलम बनता है। तो एक सिंपल पेंडुलम को या इस तरीके के अरेंजमेंट को जब डिस्प्लेस किया जाता है थीटा एंगल से, तो वो कितनी पोटेंशियल एनर्जी गेन करता है? तो आंसर है एम जी एल इन ब्रैकेट वन माइनस कॉस थीटा, वन माइनस साइन थीटा। ये एक एक्सेप्शनल कैलकुलेशन है, क्योंकि 99% प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करेंगे तो वो वर्टिकल वाले थीटा से करेंगे, हॉरिजॉन्टल वाले थीटा से नहीं करते। एक्सेप्शनली ऐसा भी दिया जा सकता है, नो डाउट, ये इसलिए प्रॉब्लम एक्सेप्शनल था क्योंकि ये चीजें तो हम आगे पढ़ते ही हैं, तो अब इसे याद रखना यार, बैठ जाएगा दिमाग में अच्छे से। यस सर। अब इसका ना एक बिल्कुल अपोजिट क्राइटेरिया मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये सारे प्रॉब्लम मैंने अपने लेवल पर इसको डिजाइन किया है, इसको बनाया गया है ताकि आप इन चीजों को अच्छे से समझें, और इन्हीं चीजों को आगे हम मैकेनिक्स में बहुत रिगरसली यूज करते हैं, तो वहां पर ये टाइम पास नहीं करना है हमने, डायरेक्ट फॉर्मूला हमको समझ आ जाना चाहिए कि ये ऐसे अप्लाई किया जाता है। ओके, नाउ लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन।
Now in this case, we have been provided with a particle of mass m. Now it is sliding from the top of a hemispherical smooth surface. Find the change in potential energy of mass with respect to angle made with the vertical. With respect to angle made with the vertical, अब ये समझने वाली बात है. देखें, हमारे पास एक hemispherical surface है. Hemispherical या semi-spherical, ऐसे भी बोल सकते हो आप, कोई problem नहीं. Like this. ऐसा, ठीक है. अब इसके बिल्कुल टॉप पर ना हमारे पास एक स्फीयर या किसी किस्म का मार्बल या कुछ ऐसी चीज रखी हुई थी. अब इस हेमिस्फेरिकल सरफेस के लिए आप एक रेफरेंस रेडियस चॉइस कर सकते हो कि भाई इसका रेडियस आ रहा है यहाँ थी, यहां तक कि ये भी कह सकते हो कि ऐसा पूरा टॉप पर जब ये था तब आप इसकी रेफरेंस वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हो आर रेडियस की. हिटिंग इट राइट? यस. Yes, मामला आपके ऊपर है कि आप रेफरेंस कहां बनाते हैं. अगर आप ग्राउंड पे रेफरेंस बनाते हो और ऑब्जेक्ट को इनिशियली इस जगह पे इमेजिन करते हो विद पोजीशन रेडियस, पोजीशन हाइट उसकी आर, तो बेटा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो है ना ये हो जाएगी एम जी आर. क्या कहते हो, समझो? Yes. बात इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एमजीआर हो गई. आपके पास ये भी चॉइस है कि आप रेफरेंस ऊपर बना लो, यही रेफरेंस बना दो और बोल दो कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यहां जीरो है. ठीक है, मर्जी है आपकी. तो चलो मैंने रेफरेंस नीचे लिया. अगर मैं ग्राउंड को रेफरेंस मानता हूं तो रेफरेंस वाली जगह से ऑलरेडी जो ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन है वो हाइट पर है. और कितनी हाइट पर है, तो आर इतनी हाइट पर है. ये आर इसलिए हुआ क्योंकि ये सेमी स्फेरिकल है, स्फेरिकल रेडियस इस हिसाब से आर. अब हमें ये बताया जा रहा है कि ये ऑब्जेक्ट जो है ना ऐसे स्लाइड करता करता, यहां से ये स्लाइड करता 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 कोई एक दूसरी पोजीशन पे आ गया है. वी डोंट नो वेयर, लेकिन डिस्क्रिप्शन ऐसे हैं कि ये जिस किसी पोजिशन पे आया है वहां पर उसके लिए करस्पॉन्डिंग एंगल थीटा बना है. तो कंपैरेटिव टू दिस पोजीशन क्या उसकी हाइट कम हो रही है? यस. yes. तो पोटेंशियल एनर्जी तो बदलेगी. और अगर ये ऐसे ही नीचे 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 आता गया तो पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पॉइंट पे पहुंचने के बाद तो जीरो भी हो जाएगी, क्योंकि गिनना तो यहीं से, अब वहीं जाके टच हो गया वो, तो जीरो भी हो जाएगी उस वक्त. तो हमें सिर्फ चेंज निकालना है. तो चलो मान लेते हैं कि ये इस जगह पे आया और इस जगह को हम फाइनल नाम दे देते हैं, फाइनल. अब हमारा इंटरेस्ट ये है कि हम इसकी फिलहाल कितनी हाइट है वो निकालें. इस हाइट को निकालने के लिए हम यहां से सीधा सीधा एक वर्टिकल लाइन निकालते हैं. क्या आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि ये भी थीटा ही होगा? अच्छा, ये कितना है आर, ये कितना है एच. तो अगर हम इसका यू फाइनल लिखते हैं तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा एम जी एच. करेक्ट हो रही है बच्चों बात? Yes. क्या आप मुझे बता सकते हैं एच कितना है? तो इसके लिए छोटी सी ट्रिग्नोमेट्री आपने यहां पे यूज करनी है, कॉस ऑफ थीटा. ये 90 डिग्री मान लें, ये ट्रायंगल इस्तेमाल करें. देखें ये 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 दिख रहा है सभी को, ये वाला ट्रायंगल यूज करें. इस ट्रायंगल में कॉस ऑफ थीटा लिखें तो क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड एच डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस आर. तो हमें फॉरन मिल जाएगा एच इज इक्वल टू आर कॉस थीटा. तो इसे ला करके यहां रखें तो ये हो गया एम जी आर कॉस थीटा. अब बच्चों आपको निकालना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. तो आप ऐसा करें, इनिशियल माइनस फाइनल निकालें. वैसे तो फाइनल माइनस इनिशियल निकालना जाता है, बट फिर भी मैं कह रहा हूं कि इनिशियल माइनस फाइनल निकालें, क्योंकि यहां हमने ऑलरेडी इनिशियल को ज्यादा माना है, इनिशियल हाइट पे था ना. अब फाइनल माइनस इनिशियल करने जाऊंगा तो नेगेटिव आंसर आएगा. आ रही ना बेटा बात समझ? यस सर. सो डेल्टा यू नाउ विल बिकम इक्वल टू इनिशियल कितनी हो गई एम जी आर, फाइनल कितनी है एम जी आर कॉस थीटा. तो आप इसमें से एम जी आर फैक्टर कॉमन ले लें, वन माइनस कॉस थीटा आ गया आंसर. ऑफकोर्स ये जो वैल्यू है ये चेंज की जो है ना ये डिक्रीज है, डिक्रीज है बेटा ये वैल्यू.
अगर हम इसको कायदे से करने जाएंगे यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो ये आंसर नेगेटिव मिलेगा हमको, माइनस आ जाएगा बाहर की तरफ। तो हम जहन में इस बात को रखेंगे कि इट इज कमिंग डाउन, इट्स रिस्पेक्टिव हाइट इज डिक्रीजिंग, देयरफॉर दिस चेंज इज नथिंग बट डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी। गेटिंग इट राइट? यस सर। आइए एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं, मजेदार क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा और डिफरेंट वैरायटी लेते हैं जरा इसमें। कभी कभी इसी तरीके के कैलकुलेशन में हमें ग्राफ दिया जाता है छोटा मोटा, और फिर चेंज निकालो और ये सब कुछ ऐसे कुछ पूछा जाता है, जैसे कि यहाँ ग्राफ की बने। अब ये ग्राफ हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट या पोजिशन का बताया जा रहा है। हमें कहा जा रहा है कि फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी एट 4.0, मतलब इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है हमको 4.0 पे। इफ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एट 0.0 इज 20 जूल, मतलब पार्टिकल जब शुरू किया था तब तो यहां से शुरू किया था 0.0 से, और पहुंचा कहां 4.0 पर, तो क्लियरली इंडिकेटेड है कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो 20 जूल है, और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल हमको निकालनी है। कैसे करेंगे? तो बच्चों इसमें एक छोटी सी बात याद रखो कि जब कभी भी हम लिखेंगे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। करेक्ट है? बाय रूल आर थिंग्स क्लियर? यस यस सर। अब सवाल है कि यहां वर्क डन कैसे निकालें, ये तो हम अटक गए। अब किसी के माइंड में कुछ आ रहा है कि यहां पे हम वर्क डन कैसे निकालेंगे? एरिया अंडर कर्व। शाबाश बेटा, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चूंकि यहां पे हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ गिवन है, तो उस ग्राफ के अंडर में जो एरिया आता है, मतलब ये सारा एरिया, ये एरिया अगर हम फाइंड आउट कर लें तो हमें वर्क का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो वर्क निकालने का मतलब यहां पे सीधा सीधा है कि हम निकालेंगे एरिया अंडर कर्व ऑफ फोर्स वर्सेस एक्स ग्राफ। अब ये एरिया निकालना भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बिल्कुल अजीब सा शेप दिख रहा है ये, तो हम इस शेप को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये रहा इसका डिवीजन। अब ये लेफ्ट साइड में जो बना ये तो एक रेक्टेंगल बन गया, और ये जो राइट साइड वाला पोर्शन या शेप दिख रहा है हमको, ये ट्रायंगल बन गया। तो क्या कैलकुलेशन में हम ऐसे करें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, सही जा रहे हैं बेटा? यस। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल में हमको साइड्स देखनी होंगी, तो यहां से यहां तक है 2 और यहां से यहां तक है 10, तो कैलकुलेशन क्या हुआ, 2 into 10 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस, बेस का मतलब तो ये होगा ना बेटा यहां से यहां तक, वेरी गुड, शाबाश, 2 और हाइट 10। अब आपने ये कैलकुलेशन पूरा करना है, देन यू आर कंप्लीटेड द पार्ट ऑफ वर्क डन। तो ये हो गया 20, ये हो गया 10, सब मिलाकर कितना हुआ 30 जूल। अब आए यहां पर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो हमें फाइंड आउट करनी है। इनिशियल 20 गिवन है, माइनस 30, क्यों लिखा माइनस 30, समझ में आया बेटा? यस सर। हाँ, वर्क डन तो पॉजिटिव है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी की रिलेशन में, पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन में, फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड। ठीक है? यस सर। तो यू फाइनल हो गया, उधर ले गए इसको आप, आंसर आया माइनस 10 जूल। क्लियर हो गया बच्चों बात? यस यस यस। इसमें कुछ और अगला क्वेश्चन भी हम देखते हैं। ये कितना नंबर का लिया था मैंने, 60। ओके, मैं जहां तक हो सके क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस साथ में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। एनीवे, ये एक्सरसाइज 2-3 लेक्चर चलने वाली है। ओके, आइए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। अब इस बार हमें ग्राफ नहीं गिवन है, बल्कि एक फोर्स की इक्वेशन गिवन है, और फिर पोजीशन कोऑर्डिनेट्स बताए गए हैं कि 2.3 से हम शिफ्ट, सॉरी 1.1 से हम शिफ्ट हो जाते हैं 2.3 पे, और इनिशियल जो कंडीशन है वहां पे 10 जूल की पोटेंशियल एनर्जी थी। सो लेट मी जस्ट मेंशन दीज नंबर्स। 10 जूल, याद रखना ये कोऑर्डिनेट्स कहां के हैं, इनिशियल, और ये कोऑर्डिनेट कहां है, फाइनल।
अब हमको पता करना है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, वी आर सपोज टू गेट एन आंसर फॉर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी. बाय कंडीशन ऑफ सॉल्यूशन हम ऐसे ही लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन. अब क्वेश्चन सिर्फ ये रह जाता है हमारे सामने कि हम वर्क डन कैसे निकालें. तो बेटा सिंपल सी बात याद रखो, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी आर. मैंने यहां डी आर इंटेंशनली इसलिए लिखा क्योंकि यहां एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट चल रहे हैं. एक्स में वन पर थे, कहां पहुंचे? टू पर. वाई में वन पर थे, कहां पहुंचे? थ्री पर. थ्री पर. तो पूरा पोजीशन कोऑर्डिनेट यूज करना पड़ेगा. अब इसमें जेड का कोई रोल नहीं है, जेड फैक्टर का कोई रोल नहीं है, कट. सिर्फ एक्स वाई कोऑर्डिनेट का आपको इस्तेमाल करना है. जेड का रोल इसलिए नहीं है क्योंकि कोऑर्डिनेट ही नहीं गिवन उसका. तो जेड फोर्स में कोई डिस्प्लेसमेंट का रिस्पेक्ट ही नहीं बन रहा है, जेड के लिए कोई डिस्प्लेसमेंट का कैलकुलेशन ही नहीं बनता है. तो जेड का अपना खुद का वर्क डन तो वैसे भी जीरो हो जाएगा. आइए निकालते हैं. मैं पूरा मैथमेटिकल अप्रोच इसमें यूज करूंगा. इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप डॉट प्रोडक्ट डीएक्स आई कैप प्लस डीवाई जे कैप. ठीक है, वन वन से टू थ्री, सही जा रहे हैं बेटा? यस यस. अब मल्टीप्लीकेशन करें. अगर आप बहुत केयरफुली इस चीज को समझते हैं इतना हो जाएगा. कैसे? तो ब्रैकेट टू ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन में पहले हम आई कैप वाला टर्म, ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे. तो आई डॉट आई क्या हो जाएगा? जीरो. क्या बेटा आई डॉट आई जीरो बोले तो पढ़ाने का मतलब ही नहीं रहा. आई डॉट आई वन हो जाएगा, जबकि आई डॉट जे कितना होगा? जीरो. जीरो. ठीक है, ये चीजें तो हम पढ़ चुके हैं वेक्टर्स चैप्टर में. तो इस टर्म को जब मैं इस ब्रैकेट के दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो सिर्फ आई का टर्म बाकी बचेगा और वो भी वन हो जाएगा. अच्छा, जब हम जे वाला टर्म इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले जे डॉट आई क्या हो जाएगा? जीरो. और फिर बाद में जे डॉट जे क्या हो जाएगा? वन. तो खाली वाई वाला टर्म बाकी बचेगा. तो ये मल्टीप्लीकेशन मैंने इससे पहले भी आपको करवाया है. अच्छा, अब इसका इंटीग्रेशन पूरा करें. आप कंप्लीट द इंटीग्रेशन. सो दिस विल बी x cube by 3. शाबाश, वेरी गुड. x cube by 3 विद द लिमिट्स. अच्छा एक सेकंड रुको ना, लिमिट्स पूरे एक साथ लगाते हैं. प्लस y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? y square by 2. वेरी गुड, शाबाश. अब लिमिट एक साथ लगाओ, 1, 1, 2, 3. अब x के लोअर लिमिट क्या है? 1, 1. x की लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट 2 है. बात को समझे बेटा. y की लोअर लिमिट क्या है? 1, 1. ठीक है ना, y की लोअर लिमिट 1 है और y की अपर लिमिट क्या है? 3. x और y की लिमिट्स अलग अलग हैं, जरा इस चीज को रियलाइज करें आप. तो आप मुझे बताएं कि अगर हम इन लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पे तो ये कैसा नजर आएगा? 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस लोअर लिमिट 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. आया समझ में सबके? यस सर. पहले मैंने अपर लिमिट्स दोनों वैल्यूज पे रखे, माइनस किया ब्रैकेट को, लोअर लिमिट्स दोनों वैल्यूज पे रखे आपने. अब इसे सॉल्व करते हैं. I'll be taking this solution on this side. 2 का क्यूब कितना हो गया? 8 by 3 plus 9 by 2 minus 1 by 3 minus 1 by 2. Correct हुआ? क्योंकि मैंने bracket open कर दिया तो minus दोनों तरफ जाएगा. अब ये by 3 वाला पहले निपटा दो तो क्या ये 7 by 3 हो जाएगा? Yes. और ये 9 by 2 और 1 by 2 पहले निपटाओ तो क्या ये 8 by 2 हो जाएगा? 8 by 2. Yes. तो क्या हमको फाइनली ऐसे देखने को मिलेगा?
प्लस, करेक्ट है? कॉमन यस एलसीएम ले लिया आपने इसका, 6, करेक्ट है? कितना आंसर यस आया? विच मीन्स 19/3 जूल। तो इतना वर्क डन हुआ बेटा। अब बेसिकली तो हमको निकालना है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो वापस आओ यहां पे, इस फॉर्मूले पे वापस आओ। पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल है 10 माइनस 19/3, क्या कहते हो? अब बोलेंगे सर आपने अभी अभी +19/3 निकाला। हाँ बेटा +19/3, लेकिन ये पहले से माइनस है ना, ये माइनस को कैसे छोड़ दें? ठीक हो गई बात? यस सर तो यू फाइनल विल टेक अ वैल्यू ऑफ -19/3 + 10। यू फाइनल इज इक्वल टू -19 + 30/3। फाइनल आंसर यू फाइनल इज इक्वल टू 11/3 जूल। डन, ओके। सर तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। अब इसमें मैथमेटिकल अप्रोच है, इसमें ग्राफिकल अप्रोच है, और ये दोनों बातें वर्क के कैलकुलेशन की मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं। तो अल्टीमेटली वो रिलेट कहां हो रही है? देखो, पोटेंशियल एनर्जी में रिलेट हो रही है। तो हम ऐसा स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को करते आ रहे हैं। आज की क्लास के लिए इतना काफी है। इसमें जैसे मैंने कहा, हमको कपल ऑफ मोर लेक्चर्स लेने होंगे अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो धीरे धीरे जितनी बातें आपको बताई जा रही हैं, उतनी आप प्रैक्टिस करें, लर्न करें। रिकॉर्डिंग्स आप तक पहुंच जाएंगी, तो आप उसको रिवाइज करें बार बार। स्पीड बढ़ा के भी आप उसको रिवाइज करके देख सकते हैं। रुक जाएं फिर। यस सर यस।